दोस्तों, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड का गुलाब जामुन. गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें चाहिए 5 ब्रेड के पीसेस, 1 कटोरी शुगर, आधा कटोरी दूध, वाटर, और ये है मिल्क पाउडर. 3 चम्मच मिल्क पाउडर है. तो सबसे पहले हम इन ब्रेड के जो साइड साइड के ब्राउन ब्राउन कोने हैं, इनको काट लेते हैं. मैंने ब्रेड का ब्राउन पार्ट जो है वो नाइफ से काट के इसे साइड कर दिया है. और आज हम बिना मिक्सी के हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे. उसके लिए हमें चाहिए ये ऐसे घिसने वाला, तो जो इसका सबसे छोटा वाला होता है, ये वाला, इससे हम घिस के ब्रेड क्रम्स बना देंगे. तो हमें ये ऐसे लेना है और ऐसे घिसना है इसको, ऐसे ऐसे करके. तो देखिए, इसमें इससे घिस के हमने ब्रेड क्रम्स बना दिए हैं. अब इनको हम एक मिक्सिंग बोल में डाल देते हैं. ब्रेड क्रम्स आ गए हैं मिक्सिंग बोल में. अब इसमें हम डालते हैं मिल्क पाउडर, दूध का पाउडर. अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं. सारा डाल देते हैं, अच्छे से चला के इसे मिक्स कर लेते हैं. मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है. अब इसमें हम दूध डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका एक डो बना लेंगे. और इसको बहुत ही सॉफ्ट हाथों से चलाना है, बहुत आराम आराम से. अच्छे से मिक्स करते हुए इसका डो बना लेना है. थोड़ा सा और दूध डाल के इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं. डो तैयार हो गया है. इससे ज़्यादा पानी नहीं, सॉरी, इससे ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे, नहीं तो ये गीला हो जाएगा. तो चलिए, इनके छोटे 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 गोले बना देते हैं. तो एक गोला बन गया है, एक ब्रेड का जो गुलाब जामुन है वो बन गया है. तो ऐसे ही हम छोटे छोटे गोले बना लेते हैं सारे. गुलाब जामुन रेडी हैं फ्राई होने के लिए. तो चलिए, इनको फ्राई कर देते हैं. कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है. चलिए, इसमें हम डाल देते हैं गुलाब जामुन. और हमेशा की तरह मैंने इसमें थोड़ा ही रिफाइंड ऑयल डाला है, क्योंकि हमें ज़्यादा ऑयल नहीं खाना चाहिए. और एक बार जो ऑयल हम यूज़ कर देते हैं वो दोबारा नहीं यूज़ करना चाहिए, ये बहुत हार्मफुल होता है हमारे लिए. तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही यूज़ कीजिएगा. जैसे हमने इसमें इतना ऑयल लिया है ना, तो ये हम यूज़ ही कर लेंगे. अगर मैं कढ़ाई भर के ले लेती, फिर वो मैं इतना यूज़ नहीं कर पाती, फिर मुझे उसे रखना पड़ता, नेक्स्ट टाइम यूज़ करना पड़ता, तो ये बहुत गलत होता है. तो आप भी कभी भी सारा ऑयल मत यूज़ कीजिएगा. तो ऐसे ही हम इनको फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा ब्लैक होने तक. और दूसरे गैस में हम इसकी चाशनी बनने रख देते हैं. तो मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, उसमें मैंने वाटर डाला है एक कप. और अब मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर. शुगर भी 1 कप ही डालेंगे और इसकी चाशनी बना लेते हैं. इधर हमारे रसगुल्ले भी फ्राई हो रहे हैं, सॉरी, गुलाब जामुन भी फ्राई हो रहे हैं. मुझे हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है गुलाब जामुन या रसगुल्ले, तो सॉरी, मैंने गुलाब रसगुल्ले बोल दिया था. ये भी अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और ये फ्राई होते होते फूलते जा रहे हैं. ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बस इनको थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं.
इधर हमारी चाशनी भी रेडी होने लग गई है, चीनी मेल्ट हो गया है, हो ही गया है बस लगभग। देखिए ये अच्छे से थोड़े से ब्राउन हो गए हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी फ्लफी हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं बाहर। प्लेट में रख देते हैं और ऐसे ही सारे गुलाब जामुन को फ्राई कर देते हैं। चाशनी भी हमारी बॉईल होने लग गई है। चाशनी रेडी हो गई है, हम गैस को बंद कर देते हैं। इसको ज़्यादा थिक नहीं करना है, नहीं तो ये रसगुल्लों के अंदर, सॉरी गुलाब जामुन के अंदर नहीं जाएंगे। तो और ये गुलाब जामुन का जो सेकंड बैच है वो भी ब्राउन होने लग गया है। सो गुलाब जामुन फ्राई हो गए हैं, इनको हम डाल देते हैं चाशनी के अंदर और एक बार इसको एक मिक्स कर देते हैं और इनको ढक कर रख देते हैं 1 घंटे के लिए, जिससे कि चाशनी इनके अंदर चली जाएगी और ये थोड़ा सा फूल जाएंगे। तो चलिए इनको ढक देते हैं। 2 घंटे हो गए हैं, मैंने इनको गरम करके एक कटोरी में निकाल लिया है। तो रेडी है हमारे गुलाब जामुन। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और काफ़ी जल्दी रेडी हो जाता है रसगुल्ला, सॉरी गुलाब जामुन। मुझे लगभग 10 मिनट से भी कम लगे होंगे इसको बनाने के लिए और खाने में भी ये काफ़ी टेस्टी हैं, अंदर से काफ़ी सॉफ्ट हैं और जो शुगर सिरप है वो उसके अंदर तक गया है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा ब्रेड गुलाब जामुन और मुझे बताइएगा कि कैसे बने हैं।